यसीन मलिक का अंत आ गया, यसीन मलिक की समाप्ति करण हो गई। अब कोई उग्रवादी उग्रवाद करने का प्रयास नहीं करेगा, अब कोई व्यक्ति ये विचार करने का प्रयास नहीं करेगा कि मुझे उग्रवादी बनना है। आज कोर्ट ने उस व्यक्ति को एक उसकी धर्मपत्नी एयरफोर्स की जिसने जिसके चार परिवार के बंदों को मार दिया था, आज कोर्ट के निर्णय सारी व्यवस्था टेरर फंडिंग के आने के उपरांत आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि उग्रवाद की तरफ कोई देखने का प्रयास ना कर पाए, एक मैसेज देने की बात की गई है। और वो सियासतदान, वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री देश का जिसने उसको रेड कार्पेट के माध्यम से वहाँ स्वागत करा, आज उसको की तरफ लोग देखने का प्रयास करना चाहते हैं। उसको शर्म आनी चाहिए। जो बंदा टेरर फंडिंग के अंदर जिसको सजा देने की बातें की गई हैं, जिसको नस्ले नबूद करने की बातें कर दी गई हैं, और वो जो टेरर को क्रिएट करने का प्रयास श्रीनगर के अंदर कर रहे हैं, उनके एक स्पष्ट मैसेज देने का प्रयास किया गया है। आर या पार, अब कोर्ट भी नहीं छोड़ेगी, अब यहाँ की सरकार भी नहीं छोड़ेगी, अब यहाँ का उपराज्यपाल भी नहीं छोड़ेगा, विजय कुमार भी नहीं छोड़ेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनको नहीं छोड़ने वाली हैं। आज क्लियर मैसेज है, अब आर या पार समाप्तिकरण। और ये जो यासीन मलिक के साथ हुआ है जिसने टेरर फंडिंग लेकर के सारे हिंदुस्तान के अंदर टेरर कैसे क्रिएट किया जाए, आज वो गया, और उसकी समाप्ति के कारण जो कोर्ट ने एक निर्णय दिया है वो बड़ा स्वागत योग्य है। इसका हम स्वागत करते हैं, ढोलों के साथ, नगाड़ों के साथ, छैनों के साथ, पटाखे उठा करके कि आज ये कैसे अंत इसका, ये देखिए क्रॉस लगा करके अंत कर दिया है, आज इसका अंत हो गया है, और आने वाले दिनों के अंदर कोई टेरर पैदा नहीं होगा, एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है। और जिस तरह से श्रीमान IGP विजय कुमार वहाँ एक एक दिन के अंदर तीन तीन चार चार लोग मार रहे हैं, वो भी एक मिसाल है। और उपराज्यपाल महोदय जिस तरह से डटे हुए हैं, सारी हिंदुस्तान का साथ उनके साथ है। और माननीय मोदी जी, आर करो पार करो, बालाकोट एक बार करो, और इनको नस्तनाबूद करके